जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आज इस वीडियो में कवर करेंगे सीआरपीएफ टेस्ट मैच के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करेंगे और प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक कवर कर लिए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में टोटल करने वाले 25 क्वेश्चन, जो कि आपको मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन रहने वाला है। तो आप लोग लास्ट में बताइए कि इस 25 में आपको कितना सही हो रहा है, ठीक है दोस्तों। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7352487318, यानी 7352487318। यह मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, इस पर मैसेज कीजिएगा तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, या खुद से ऐड होना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप का लिंक दे रखा है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। पहला क्वेश्चन ये 26 नंबर क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन होने वाला है। तो ये 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जन्म लेने वाला कौन सा भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है। तो आपके पास 4 ऑप्शन, इसमें से आप आंसर दीजिएगा। दोस्तों आपको जिसका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में उसी समय कमेंट कीजिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है कि कवाली, बी में तीज गीत और सी में वसंत गीत और डी में कजरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवाली, ठीक है दोस्तों। तो 26 का ए इसका राइट आंसर होने वाला है। 27 नंबर है कि सत्य के मेरे प्रयोग माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ को आत्मकथा है, यानी कि किसकी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है। तो ये जो है तो ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर का, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। 28 नंबर में कह रहा है कि भारतीय संविधान का नागरिकता का धारा किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो 4 ऑप्शन है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कि फ्रांस, बी में यूएसए, सी में ऑस्ट्रेलिया और डी में यूके। तो जो भारतीय संविधान के नागरिकता का जो धारा है, तो यह जो धारा यूके के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 का डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 में है कि खालिस्तान प्राय प्रकृतिक में रेतीली और गुण में लवणीय होती है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, माखराला जिसे लेटराइट मिट्टी कहा जाता है, और शुष्क मिट्टी। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है शुष्क मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि खाली स्थान सरकारी रसीदें हैं जो विमोचन योग्य जिसे रिडीमेबल कहा जाता है नहीं है। तो कौन से है, कर रसीदे, प्रत्यक्ष रसीदे, राजस्व रसीदे, अप्रत्यक्ष रसीदे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में देखा, राजस्व रसीदे, ये इसका राइट आंसर रहने वाला है 30 का सी नंबर, ठीक है दोस्तों। 31 नंबर है कि 3 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है, गोवा में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, केरल में। तो यह उद्घाटन जो हुआ है गोवा में उद्घाटन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 नंबर का। 32 नंबर क्वेश्चन इसमें है कि लक्षद्वीप द आइलैंड खालिस्तान में स्थित है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर में, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप द आइलैंड यह जो स्थित है तो यह अरब सागर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का सी नंबर, ठीक है दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि श्री भगवत गीता जयंती किस तिथि को आयोजित हुआ है, 1 दिसंबर 2022 को, 1 जनवरी 2023 को, 2 दिसंबर 2023 को, 3 दिसंबर 2023 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 दिसंबर 2023 को यह आयोजित हुआ था। तो 33 का डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है खाली स्थान पूंजी उत्पाद के दौरान विविध कच्चे माल और खर्च को संदर्भित करती है, अस्थायी, कार्यशील, मानवीय, भौतिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो बी में देगा कार्यशील, कार्यशील इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो 34 का बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो विषाणु के अध्ययन को आपको बताना है कि चारों में से क्या है। तो ए में दे रखा है कि बायोलॉजी, बी में पैथोलॉजी, सी में पेडोलॉजी और डी में वायरोलॉजी। तो जीवाणुओं को, विषाणुओं को अध्ययन को जो कहा जाता है तो ये कहा जाता है वायरोलॉजी, जिसे वायरस कहते हैं, यानी कि विषाणु वायरस होता है इसलिए वायरोलॉजी इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 नंबर का। 36 नंबर में है कि गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है। तो इस चारों में से बताना है कि गांधी इरविन समझौता जो भारत के किस आंदोलन से संबंधित है, रॉलेट एक्ट से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से। तो यह जो गांधी इरविन समझौता है तो यह जो संबंधित है तो ये संबंधित है भारत छोड़ो आंदोलन से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर का। 37 नंबर क्वेश्चन में है कि जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है तो अवशिष्ट उत्पादों और खून से अतिरिक्त द्रव को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, परिसंचरण, निष्पंदन, शुद्धिकरण, डायलिसिस। तो इस प्रक्रिया को जो कहा जाता है तो यह डायलिसिस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहने वाला है 37 का डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। 38 में कह रहा है कि जम्मू और कश्मीर को कौन से अनुच्छेद धारा के तहत विशेष दर्जा दिया गया है। तो यह जो है ऑप्शन नंबर ए में 370 या 370 इसका राइट आंसर रहने वाला, 38 का ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। 39 नंबर में कह रहा है कि पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं। तो जो पत्ती पर जो निचली सतह पर जो छोटा छिद्र होता है उसको क्या कहते हैं, रोम कहते हैं, फर्स्ट फूटन कहते हैं, सिलिया कहते हैं या रंध्र कहते हैं। तो उसको क्या छिद्र को कहते हैं, रंध्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 39 का डी नंबर इसका सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि अर्थशास्त्री खालिस्तान ने 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। कौन से अर्थशास्त्री है जो उसे 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। मनमोहन सिंह, रघुराम राजन, अमर्त्य सेन, अभिजीत विनायक बनर्जी। तो यह जो है अमर्त्य सेन है जिसको 1998 नोबेल पुरस्कार मिला, ये अर्थशास्त्री है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 नंबर का। 41 नंबर क्वेश्चन में है कि खाली स्थान जम्मू और कश्मीर के बन जा रहे हैं कौन से, भोटिया, गद्दी चरवाहे, सोरपा, गुजर बरकवाल। तो जम्मू और कश्मीर के बंजारे हैं तो यह है गुजर बरकवाल, ये बंजारे। तो नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 41 का डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, सोना। तो अधिक तन्य की बात हो रही है और धातु की तो सोना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 42 का डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और 43 पर है, 43 में दे रखा है कि हवा महल कौन से शहर में स्थित है। तो हवा महल की बात हो रही तो इस कौन से शहर में स्थित है आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि दिल्ली, बी में जयपुर, सी में गुजरात और डी में आगरा। तो हवा महल जयपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 43 का बी नंबर इसका सही उत्तर है। 44 में है कि भारत के न्यायतंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है जिसमें सर्वोच्च है उच्चतम न्यायालय, ग्राम पंचायत, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय। तो इसमें जो सबसे सर्वोच्च है तो यह उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 44 नंबर का ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था। तो चारों में से बताना है कि फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित कौन था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि टीपू सुल्तान, बी नंबर ऑप्शन में दे रखा है अरविंद घोष, सी में दे रखा है एनी बेसेंट और डी में बदुद्दीन तैबजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था कौन, टीपू सुल्तान था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 45 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर में कि निम्न से कौन सी सिंधु नदी की उपनदी नहीं है। तो यानी कि सिंधु नदी की उपनदी की बात हुई कौन सी नहीं है, ए में है रावी, बी में झेलम, सी में चिनाब, डी में गंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो डी में रेखा के गंगा, गंगा या सिंधु नदी की उपनदी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो 46 का डी नंबर इसका राइट आंसर रहने वाला है। 47 नंबर में कि आचार्य जगदीश चंद्र बोस की 164वीं जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दिवस 2022 में किस तिथि को आयोजित हुआ है, 3 दिसंबर को, 4 दिसंबर को, 5 दिसंबर को, 6 दिसंबर को। तो यह जो आयोजित हुआ है 3 दिसंबर को आयोजित हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 47 का। 48 नंबर में दे रखा है कि निम्न में से कौन पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है, चांदी, तांबा, सीसा, कैल्शियम। तो पानी के साथ जो प्रतिक्रिया करता है तो ये प्रतिक्रिया करता है तो कैल्शियम प्रतिक्रिया करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 48 का। 49 नंबर क्वेश्चन में है कि लठमार होली का मनाई जाती है, यानी कि लठमार होली कहाँ मनाई जाती है, वाराणसी में, अयोध्या में, द्वारका में, बनारस और नंदगांव में। तो जो लठमार होली जो मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है कहाँ, तो ये बनारस में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बरसाना और नंदगांव में, बनारस नहीं सॉरी, बरसाना और नंदगांव में ये मनाया जाता है लठमार होली। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन में है और अंतिम क्वेश्चन है कि दिसंबर 2022 में भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का असंकालिक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है राजीव लक्ष्मण क्रंदीकर को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 50 का सी। तो दोस्तों ये था आपको CRPF टेस्ट मैन के लिए GKGS का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जो कि टोटल 25 क्वेश्चन कवर कर लिए है। तो आप लोग बताइए कि 25 में कितना सही हुआ है। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।